कि मुझे खतरनाक स्थिति नजर आ रही है। मैं कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नहीं हूँ। आधा जो युवा और नौजवान जवान तबका है वो टूट के दिल्ली भाग जाएगा, दिल्ली घेर लेगा, परेशानी खड़ी हो जाएगी। वो खुलेआम कह रहे थे कि भाई हम अपनी मर्जी से बैठे हैं, वरना बॉर्डर कुछ नहीं हमारे लिए। बट्टा बैठ गया, बट्टा बैठ गया। मैं इस सरकार को और प्रधानमंत्री जी को झूठा साबित करता हूँ, यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। है ना, मैं कोई टुकड़े गैंग हूँ, ना मेरी कहीं से फंडिंग आ रही है, मगर हाँ देश प्रेमी हूँ। नमस्कार, मैं हूँ देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। डे वन से इस प्रोटेस्ट में शामिल रहने वाले तनवीर जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो दरअसल दिल्ली से हैं, लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट को उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा है और लगातार जिस तरीके से मोदी सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसान क्या सोचती है, किसान क्या करना चाहती है इस मोदी फैसले को ट्रिपल कानून जो है, ये तीन कानून ट्रिपल कानून जो है, इसको किस तरीके से देखती है किसान, क्या लग रहा है तनवीर जी, अब किसानों का रुख क्या है, क्या वो पीछे हटेंगे या मोदी सरकार पीछे हटेंगे? नहीं, मेरे को ये हालात नहीं दिख रहे हैं। मैं 26 तारीख से इस प्रोडक्ट्स को देख रहा हूँ और इसमें जो आज अन्नदाता आया है, इतनी तादाद में पूरे भारत का अन्नदाता यहाँ इकट्ठा हो चुका है, तो उसको एक ही बात की रट लगी है कि जो आपने जल्दबाजी में लिए हुए कानून हैं इनको वापस लीजिए। और मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि किसान वापस जाएगा इस कानून के वापस होए बिना। मैं तो सरकार को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी जी भी जानते हैं मैंने हर बुरे वक्त में सरकार को आगाह किया है हर बात से, और मोदी जी ने भी मेरी बातों को समझा है। पहले भी जो कई कानून खतरनाक आए, नोटबंदी आई, मैंने लोगों को बैंकों की लेन उनको बताई, जीएसटी आई, मैंने बेरोजगारी की बात उनको बताई, दुनिया भूखी मर रही है। आज जो है 98% लोग मेरे देश के परेशान हैं, हर सेक्टर में बर्बादी है, हर सेक्टर में बेरोजगारी है, हर सेक्टर में बहुत बड़ी हाहाकार मची है। उस हिसाब को देखते हुए ऊपर से ये जो अन्नदाता का मामला उठा है, तो मेरे को डर लग रहा है। जैसे जैसे लोकतंत्र की मैंने सुना था हत्या कभी भी होएगी, संविधान को छेड़छाड़ किया जाएगा, तो ऐसा महाभारत बन जाएगा, तो आज मुझे उसकी आहट नजर आ रही है। अगर हमारी सरकार के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो थोड़ा समझ बूझ दिखाइए। सरकार का मतलब क्या होता है, प्रधान का मतलब क्या होता है, वो मेरे देश का राजा बादशाह है, उसका भी एक दिल है जो धड़कता है, धड़कना चाहिए भी। आखिर ये जो जनता होती है ना, तो बादशाह की एक तरीके से औलाद हो जाती है, यानी ईश्वर की हम संतान है, ईश्वर की हम संतान है, तो एक तरीके से देखा जाए दुनिया में आने के बाद तो बादशाह की भी हम एक संतान होते हैं। तो हमारी हक हर दुख को देखना बादशाह का काम होता है, यानी आज हमारे बादशाह प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट है। मैं उन सबको आगाह करना चाहता हूँ, शॉर्ट में ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे खतरनाक स्थिति नजर आ रही है। मैं कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नहीं हूँ, मुझे किसी गैंग से कोई मतलब नहीं। मेरी खतरनाक स्थिति कहाँ की? खतरनाक स्थिति ये दिख रही है, अब जैसे जैसे किसान बढ़ता चला जा रहा है, तो ये अब तक तो किसान इन पे रुका है यहाँ पे संगठनों द्वारा, लेकिन अब ये किसान नहीं रुक पाएगा। आधा जो युवा और नौजवान जवान तबका है वो टूट के दिल्ली भाग जाएगा, दिल्ली घेर लेगा, परेशानी खड़ी हो जाएगी। समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि दिल्ली में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। मान लो ये जो है जत्थेबंदियां, ये पंचायत है, ये बड़े बुर्दवार आदमियों को रोक लेंगी, मेरी उम्र वालों को समझा लेंगे, मान जाएंगे, लेकिन ये जो नौजवान तबका होता है, इसका गर्म खून होता है, ये नहीं समझ पाता। ऐसी सूचना मिली आपको कहीं से? अरे मेरे कई बार लोगों से सुन रहा हूँ कि जी अब हम दिल्ली घेरेंगे, तो अब ये कह रहे हैं ये घेर भी लेंगे, क्योंकि जब ये हरियाणा और पंजाब से आके यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। और अभी कल की बात में सुन रहा था कई किसानों से, वो खुलेआम कह रहे थे कि भाई हम अपनी मर्जी से बैठे हैं, वरना ये बॉर्डर कुछ नहीं हमारे लिए। तो इन बातों को सोचते हुए मेरे को ये लग रहा है, समझने की कोशिश करे हमारी सरकार, आके इनसे बात करे, इनको जाने का दिलासा दे और इस बिल को वापस ले।
हालात तो फिर बहुत भयावह हो जाएगी। हाँ, अगर ऐसा हो गया ना, ये दिल्ली में घुस गए, किसान सरकार ने इनकी बात नहीं मानी, झगड़े दंगे हो गए, नफा नुकसान भी होएगा। तो अगर समझदार सरकार है, मेरे को तो ये लगता है, मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जी काम का बिल है, फायदे का बिल है किसान के, लेकिन किसान को पसंद नहीं है तो आप इसको वापस ले लो। किसान कल को कुछ बोलेगा तो आप कह सकते हैं उनसे, भैया मैंने तो किया था, आपने लागू नहीं करने दिया। आप जब ही तो कह पाएंगे किसान से। अगर ऐसे में किसी वजह से देश के हालात तो पहले ही खराब है, जीडीपी हमारी खत्म हो चुकी है, बांग्लादेश से नीचे जा रहे हैं हम, हैं? क्या समझदारी है हमारी? हमने हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करके देश को बर्बादी में धकेल दिया। देखो, 3 बिल लाए आप, 4 बिल इससे पहले वाले, नोटबंदी लाए अचानक से, आधा देश बर्बाद, जीएसटी लाए पूरा देश बर्बाद, लॉकबंदी लाए बट्टा बैठ गया, बट्टा बैठ गया, लोकतंत्र की भी हत्या, संविधान की भी हत्या। और संविधान में तो लिखा हुआ है कि जब जब संविधान की हत्या होने लगेगी तो देश में बौचाल आएगा, कितने लोग हैं, क्रांति उठेगी, लोगों की कितनी संख्या होगी करने की? मैं तो यहाँ कम से कम ये राई तक देख रहा हूँ, राई से भी आगे तक देख रहा हूँ, मतलब टोटल संख्या 1 लाख 2 लाख। हाँ, दो तीन लाख तो है, 2-3 लाख किसान। हाँ जी, और दिल्ली में उधर वो एक पार्क है, ये कौन सा पार्क है, निरंकारी पार्क, ये पार्क सारे भरे पड़े, बॉर्डर वाला पार्क भरा पड़ा है, और दिल्ली के सारे बॉर्डरों पे जो ये सूचना कहाँ से आ रही है कि दिल्ली पे अब चढ़ाई करेंगे, दिल्ली को घेरेंगे? अगर ये भाई ये जत्थेबंदी वाले ही कहते हैं, यहाँ के किसान भाई हमारे साथी जो आए हुए हैं, ये बेचारे लोग यही लोग बोलते हैं आपस में, जो मीडिया वालों के सामने भी कहते हैं, सबके सामने कहते हैं, हमने भी नहीं के मुंह से सुना। तो हम अपनी सरकार को ये जगाना चाहते हैं कि आप इस बिल को वापस ले लो। आगाह कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, क्यों? हम देश प्रेमी हैं, हमारे बड़ों ने इस देश को आजादी में कुर्बानियां दी है, हम इस देश को टूटते हुए और बिखरते हुए नहीं देखना चाहते, हम इस देश को बना हुआ और अच्छा तरक्की वार देखना चाहते हैं। तो जब जब कोई हमें बुरे संकेत नजर आते हैं, हम सरकार को आगाह करते हैं, एक जिंदा इंसान होने के नाते। अच्छा तनवीर जी, जिस तरीके से अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये किसानों की आय जो है दोगुनी हो जाएगी, पिछले 60 साल में जो नहीं हुआ वो अब 6 साल में हो जाएगा, क्या कहां तक लग रहा है आपको कि सही है गलत? देखो, मुझे तो ये लग रहा है, मैंने आपकी सारी बात मानी, आप जो है दुगनी नहीं, इसकी आय तिगनी कर देंगे, लेकिन जब इस किसान को मंजूर नहीं है, आप क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं इनके ऊपर? छोड़ो ना, अगर किसान को नुकसान होगा तो किसान अपने आप जानेगा इस बात को, तुम्हारा तो कसूरवार नहीं होंगे ना, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं होगी ना, तुम अपनी गलती बचाओ ना। देखो, सरकार का मतलब क्या होता है? सबके ऊपर कार है, जब भी बनती है सरकार, यही किसान, यही जनता तो चुनती है ना, यही जनता तो चुनती है ना, प्रधानमंत्री कौन बनाता है, मंत्रिमंडल कौन बनाता है, यही जनता बनाती है ना, आज यही जनता मना कर रही है। मैं मानता हूं आप इससे आया चौगनी कर देंगे, किसान को हवाई जहाज में घुमा देंगे, लेकिन इसे किसान को मिट्टी पे रहना पसंद है, इसे हवाई जहाज में पसंद नहीं हो रहा है। आप अपने ऊपर बुराई क्यों ले रहे हो? अगर समझदारी 2% बची है, समझदारी 2% बची है, तो मैं आपको एक अच्छी राय देता हूं अपनी तरफ से, आप इस बिल को वापस लो, इनको घर जाने की हरी झंडी दो, ताकि ये देश की व्यवस्था जो खराब हो रही है, जो आपके हाथ में, ये मेरे हाथ में जो लेटर है, ये मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में अब से 3-4 साल पहले दिए थे, ये 4 लेटर हैं जिनकी रिसीविंग है मेरे पास, ये 2 जवाब हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे मिले थे, काम इनमें एक भी नहीं हुआ, काम इनमें एक भी नहीं हुआ। इससे मैं इस सरकार को और प्रधानमंत्री जी को झूठा साबित करता हूं, यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। क्यों? ये मेरे पास प्रमाण है, ये रिसीविंग है जहां मेरा अंगूठा लगा है, प्रधानमंत्री कार्यालय की। जब मेरे जैसा फकीर आदमी, आप तो कहते हो तुम फकीर हो, अरे यार नहीं, तुम फकीर नहीं हो, नकली हो आप, फकीर मैं हूं, कि रिश्वत नहीं लेता, हराम नहीं खाता, किसी को लूटता नहीं, चोरी नहीं करता, हैं? ईमानदारी से सेवा करता हूं, एक ट्यूबवेल पे पानी चलाता हूं, 12,000 तनख्वाह लाता हूं, 10,000 बच्चों को देता हूं,
2000 अपने पे लगाता हूँ महीने में, है ना, मैं कोई टुकड़े गैंग हूँ, ना मेरी कहीं से फंडिंग आ रही है, मगर हाँ देश प्रेमी हूँ। मेरे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अशफाकुल्ला खां की औलाद हूँ, अब्दुल हमीद का भतीजा हूँ, उस्मान ब्रिगेडियर का बेटा हूँ, इसलिए आपको जता और बता रहा हूँ, समझ लीजिए बात को, इन कानूनों को वापस ले लीजिए, इनको हरी झंडी दीजिए, देश को अच्छी तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत। नहीं, मुझे एक बात बताइए, साध्वी प्रज्ञा ने जो जिस तरीके का बयान दिया, उससे आप कहां तक उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, साध्वी जी को थोड़ा ख्याल आना चाहिए कि हाँ मैं अपने लोगों के बारे में ऐसी बातें करके अच्छा नहीं कर रहा हूँ। क्यों कि अगर हम अपने ही लोगों को गैर बता देंगे, आखिर हम रहेंगे किनके साथ, वोट किनसे लेंगे, सोचिए। अगर हम अपने लोगों को, मान लो सिख भाई आए, हमने इनको बोल दिया खालिस्तान के आतंकवादी हैं, हैं जी, मुसलमान कहीं इकट्ठे हो गए, उनको कह दिया पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, बांग्लादेश के आतंकवादी हैं, इससे देश में नफरत फैल रही है, देश बर्बादी की ओर जा रहा है। जानते हो बर्बादी की ओर देश क्यों जा रहा है? हमारे देश का बिजनेस टूट गया है, बिजनेस, मेरे देश की बनी हुई लकड़ी सऊदी अरब के मुल्क से आने वाले लोग चांदी के रेट में खरीद के ले जाते हैं, मेरे देश के मुरादाबाद का बना हुआ पीतल का सामान मेरे विदेश से आने वाले, अरबों से आने वाले लोग चांदी के रेट में खरीद के ले जाते हैं, उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, वो टूट चुका है बिजनेस। आज हम उनसे सवाल करते हैं, हमारे यहाँ बिजनेस क्यों नहीं करने आ रहे हो? वो कहते हैं तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे यहाँ का मुसलमान सुरक्षित नहीं है, हम क्यों आए, हमें तो विदेशी कह के मार दोगे। शर्म की बात है ये, हमारे देश का बिजनेस टूट गया, GDP खत्म। अरे शर्म करो यार। जय हिंद, जय भारत। मैं तनवीर।